नमस्कार दोस्तों, एलिवेटर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पेजिंग सिस्टम। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, तो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा वीडियो लंबी ना बन जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, पेजिंग सिस्टम्स आर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो पेजिंग सिस्टम सबसे पहले क्लियर हो गई बात की वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, That are designed to send brief messages, जो किस लिए डिजाइन किए गए, ताकि ब्रीफ मैसेज, शॉर्ट मैसेज को भेजा जा सके। ओके, इट इज वन वे मैसेजिंग, ये बात क्लियर होगी, वन वे मैसेज, एक ही तरफ से मैसेज भेजा जा सकता है, दूसरी तरफ से मैसेज नहीं भेजा जा सकता। ओके ओके, फिर क्या है, इट इज वन वे मैसेजिंग सिस्टम इन विच बेस स्टेशन सेंड मैसेजेस टू ऑल सब्सक्राइबर। इसमें एक बेस स्टेशन होता है जो क्या करता है, जहाँ से सार सभी सब्सक्राइबर्स के पास मैसेज जाते हैं पेजिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, जा सकते हैं, आ नहीं सकते वापस। ओके, वन वे कम्युनिकेशन। द पेजिंग सिस्टम ट्रांसमिट्स द मैसेज आल्सो नोन एज पेज। जो पेजिंग सिस्टम मैसेज ट्रांसमिट करता है उसको हम पेज भी बोलते हैं। ठीक है, अलोंग विद पेजिंग सिस्टम अक्रॉस नंबर थ्रू आउट द सर्विस आर यूजिंग बेस स्टेशन विच ब्रॉडकास्ट द पेज ऑन आर रेडियो लिंक। पेजिंग सिस्टम क्या होता है, रेडियो लिंक के थ्रू मैसेजेस भेजा जा सकता है, जैसे कि हमारे नंबर्स हैं बहुत सारे, मतलब सब्सक्राइबर के नंबर्स थे, उन पे एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है इस पेजिंग सिस्टम में, यही बात कह रही है इस लाइन में। ओके, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया, ये मैंने इसका ब्लॉक बना रखा है, ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, देखिए वही बातें करेंगे। सबसे पहले क्या, PSTN, PSTN की फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। यहाँ से क्या हमारा पेजिंग कंट्रोल सेंटर कंट्रोल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, लैंडलाइन लिंक या फिर सैटेलाइट लिंक, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो आगे देखेंगे कैसे। पेजिंग टर्मिनल। ठीक है, CT1, CT2, CTN कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, जो पेज कंट्रोल सेंटर है और जो पेजिंग टर्मिनल है, या फिर इसको हम बेस स्टेशन भी कह सकते हैं, नहीं कहेंगे बेस स्टेशन, नहीं कहेंगे बेस स्टेशन ही है। ठीक है, तो पेजिंग कंट्रोल सेंटर है हमारा, वो लैंडलाइन लिंक के थ्रू पेजिंग टर्मिनल से कनेक्ट है, जो एक CT1 में, कोई सिटी मान लीजिए, उस CT1 में पेजिंग टर्मिनल है जो हमारा पेजिंग कंट्रोल सेंटर से लैंडलाइन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। ऐसे ही पेज CT2 मान लीजिए कोई, उसमें भी पेजिंग टर्मिनल हमारा लैंडलाइन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन एक CTN है, CTN कोई भी CT3 मान लीजिए, वो क्या, सैटेलाइट लिंक के थ्रू कनेक्ट है। तो दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है, लैंडलाइन लिंक और सैटेलाइट लिंक से पेजिंग कंट्रोल सेंटर पेजिंग टर्मिनल से। फिर आ जाते हैं हमारे बेस स्टेशंस, जिनको हम BSP लिख सकते हैं। ठीक है, ये टावर जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये बेस स्टेशन है। फिर पेजिंग टर्मिनल क्या होता है हमारा, यहाँ से हमारा मैसेज बेस स्टेशन की तरफ जाता है, बेस स्टेशन से जो हमारे टावर्स दिख रहे हैं आपको, बेस स्टेशन से क्या जाता है, ओल्ड सब्सक्राइबर के पास वो मैसेज चला जाता है, मतलब ओल्ड सब्सक्राइबर के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस है, बिल्कुल आसान है, PSTN से पेजिंग कंट्रोल सेंटर के पास, फिर लैंडलाइन के सैटेलाइट लिंक से पेजिंग टर्मिनल के पास मैसेज, फिर वो बेस स्टेशन पे जाता है, बेस स्टेशन से हमारे पास पहुंच जाता है सब्सक्राइबर के पास। अब इसमें क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, एक और बात क्लियर कर देता हूँ आपको, वन वे मैसेजिंग है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर बात करता हूँ, पहले एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या, वाइड बैंड कवरेज, ज्यादा से ज्यादा कवरेज कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। लॉन्ग बैटरी लाइफ, तो जो ये सिस्टम होता है इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही लॉन्ग होती है, सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं समझे। स्मॉल लाइट वेट सेट्स एंड बैटरी, जो इसका सेट होता है स्मॉल लाइट वेट होता है और बैटरी स्मॉल होती, मतलब स्मॉल ही होती है। ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसमें ज़्यादा मतलब महंगा नहीं होता, सस्ता ही सिस्टम होता है ये। ठीक है, बहुत कॉस्ट इसकी लो होती है। इसके एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वन वे मैसेजिंग ऑनली, इसका डिसएडवांटेज जो हम पहले भी देख चुके हैं, लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कई जगह पर लिमिटेड हो जाती है। वैसे तो वाइड बैंड कवरेज करता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है कई बार। ठीक है, तो एक बात जो मैं बता रहा था, इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको, जैसे हम अपने कंपनी के मैसेज आते हैं हमारे पास, हर डेली आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं, तो कंपनी क्या करती है, इसी सिस्टम का यूज़ करती है, पेजिंग सिस्टम का। वो क्या करती है, अपने ओल्ड सब्सक्राइबर, जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए वोडाफोन यूज़ कर रहा हूँ मैं सिम, तो जितने भी वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स होंगे, वो कंपनी क्या करेगी, पेजिंग सिस्टम का यूज़ करेगी और उन सबके पास मैसेजेस भेज देती है, सबके पास सेम मैसेजेस चले जाते हैं एक ही साथ। तो ये पेजिंग सिस्टम बहुत ही रिलायबल, बहुत प्रोसेसिंग, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो ये पहले भी यूज होता था, आज भी यूज होता है, तो ये बहुत ही वायरलेस कम्युनिकेशन का एक अच्छा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो क्या करें, पढ़ी और पढ़ाई अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करते हैं तो आप उनको पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता,
ओके। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर आप स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ओके तो समझ में आ गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन।